हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि में इन 8 कार्यों को जरूर करें। यदि आप व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो इस चैत्र नवरात्रि में इन 8 कार्यों को जरूर करें। इससे आपके घर में माता का आशीर्वाद बना रहेगा और आपका जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वह माता जरूर पूर्ण करेगी। तो इन 8 कार्यों को करना ना भूलें। आइए जान लेते हैं कार्य कौन कौन से हैं। चैत्र नवरात्रि में जिस भी तरह से माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाए, उसका सुफल पाने के लिए कुछ नियमों का व्यक्ति को पालन जरूर करना चाहिए। ये अनिवार्य भी होता है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास करते हैं, मंत्र जप करते हैं या फिर कोई अन्य साधना करते हैं तो हमारे बताए गए नियमों का पालन जरूर करें। आइए जानते हैं, नहीं तो 9 दिनों तक आपकी की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल 2019 शनिवार से शुरू हो रही है दोस्तों, और ये 14 अप्रैल तक चलेंगी। इन दिनों आप इन कार्यों को जरूर करें। पहला है, 9 दिनों तक प्रतिदिन नियम बना लें। सुबह 6 बजे तक आप स्नान कर लें एवं हर दिन धुले हुए वस्त्रों का ही धारण करें। पहने हुए कपड़ों को अगले दिन ना पहने, ये नियम जरूर बना लें। दूसरी चीज, दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। तीसरी चीज, 9 दिनों तक घर का बना हुआ ही भोग माता रानी को अर्पित करना चाहिए और अगर संभव नहीं है तो दूध और फलों का भोग लगा सकते हैं। चौथी चीज, 9 दिनों तक घर के पूजा स्थल एवं नजदीक के मंदिर में सुबह एवं शाम को गाय के घी का दीपक जलाएं। पांचवी चीज, संभव हो तो 9 दिनों तक 7 साल से छोटी 2 कन्याओं को फल व अन्य उपहार भेंट दें। शाम के समय ये भेंट अवश्य दें। छठी चीज, 9 दिनों तक माता के बीज मंत्रों, 40 आरती, श्रोत आदि जप पाठ जरूर करें। सातवीं चीज, यदि संभव हो तो 9 दिनों तक गाय के घी का अखंड दीपक घर में जरूर जलाना चाहिए और 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए। आठवीं चीज, दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य परायण करने से जीवन में उत्कृष्ट प्रकृति और समृद्धि एवं सफलता मिलती है। तो इस नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करें। तो आज हमने आपको 8 ऐसे कार्य बताए जो कि इस नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।